नमस्कार सर, आज जैसा हम सीखने वाले हैं कि हमारे पास मोबाइल फ़ोन है वीवो का V7। इस मोबाइल फ़ोन का ये ग्लास टूट गया है, जैसे आप देख रहे होंगे इसका ग्लास पूरा टूटा हुआ है। मुझे क्या करना है, इसका ग्लास चेंज करना है। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि बिना फ़ोन को खोले ग्लास को कैसे चेंज करते हैं। टच को तो फिलहाल नहीं चेंज कर सकते क्योंकि टच के लिए हमें फ़ोन खोलना ही पड़ेगा, लेकिन इस फ़ोन के लिए आप बिना फ़ोन खोले ग्लास चेंज कर सकते हैं क्योंकि इसमें टच का कोई पत्ता होता नहीं है। ये सिंपली ग्लास होता है, आपको इसमें लगा देना होता है। कैसे लगाएंगे उसका पूरा तरीका सीखेंगे, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले क्या करना होता है, ये आपका जो ग्लास होता है इसको आप साइड से ढीला लूज कर लीजिए। इस सेपरेटर मशीन से क्या करिए, पहले इसे आप गर्म रखिए। ये ऐसी सेपरेटर मशीन है जो इसके साथ में सेपरेटर है, और साथ में अगर आप देखेंगे तो इसमें साइड में छोटा सा बबल रिमूवर भी दिया हुआ है। इससे क्या होता है, बबल भी निकाल सकते हैं। आपको लेमिनेशन मशीन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पंचिंग जो होती है वो हाथ से हो जाती है। जब हम पंचिंग हाथ से कर देंगे तो हमें लेमिनेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। इससे रहता है कि हमारा बहुत कम प्राइस में, मुझे लगता है कि 15-20 हज़ार रुपये में आप उसी का पूरा कंप्लीट काम कर सकते हैं, अगर आपके पास सेपरेटर होता है तो। अगर सेपरेटर नहीं तो सेपरेटर वो लेना पड़ेगा। अगर ये वाली मशीन लेंगे तो ये वाली मशीन मार्केट में 18-20 हज़ार रुपये तक का समथिंग आपको पूरा सेटअप आपको मिल जाता है। अब देखिए हमें क्या करना है, इसे गर्म कर लेना है। हमने इसे गर्म कर लिया। गर्म करने के बाद आपको जो वायर लेना है ये कटिंग वायर है, आपको क्या करना है, इसको साइड में ऐसे रखना है। आपको साइड से अंदर ऐसे ले जाना है, ऐसे धीरे धीरे करके। ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके आपको क्या करना है, कटिंग करना है। ये देखिए, इससे दो फायदे, आपका पोलराइजर भी नहीं कटेगा, आपको जो भी चीज़ हो रहा है वो आपको दिख रहा है। ये ठंडा हो जाएगा तो वायर बार बार आपका टूट जाएगा। फिर से इसे रखिए, इसे गर्म कर लीजिए। मोबाइल फ़ोन के अंदर ग्लास चेंज करना, टच चेंज करना जितना डिफ़िकल्ट है उतना ही आसान है। डिफ़िकल्ट इसलिए क्योंकि हमें आता नहीं, आसान इसलिए क्योंकि हम उसको कर लेते हैं। मेन दिक्कत रहती है कि इसमें आपको प्रैक्टिस बहुत अच्छी चाहिए होती है। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप आसानी से सारे काम कर पाते हैं। नहीं कोई दिक्कत नहीं, आपको जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी, धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते से क्या करना है, इसकी कटिंग करनी है। ये बार बार टूट इसलिए जाता है क्योंकि ठंडा हो जाता है, ठंडा हो जाता है, वायर कहीं कटिंग में फंस जाता है और आपका फट से वहीं से टूट जाता है। वायर टूट जाए कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस आप उसको आहिस्ते आहिस्ते करिए, जिससे रहेगा कि आपका जो काम है, ऑपरेशन है, वो सक्सेस हो, ना कि नुकसान हो। ये बिना फ़ोन को खोले, आप आसानी से ग्लास चेंज कर सकते हैं। बस आपको उसका तरीका देखना है, समझना है, सीखना है। गर्म हो गया, अगर ये आपका जैसे ग्लास बहुत ज़्यादा टूटा होता है तो आप एक काम करिए, 3 लेयर की लेमिनेशन आती है, आप उसके ऊपर सिंपली लेमिनेशन कर दीजिए, जिससे रहेगा कि ग्लास के जो टुकड़े होते हैं टुकड़े अलग अलग नहीं होंगे,
ये देखिए गर्म हो गया, आसानी से कटिंग होने लगी। इस तरीके से जितने भी सारे मोबाइल फ़ोन आते हैं, चाहे ओलेड फ़ोन हो, सारे फ़ोनों का ग्लास आप ऐसे आसानी से चेंज कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ठंडा हो गया, अब वायर फंस जाएगा तो टूट जाएगा। ये टूट गया, आप इसे फिर से प्रॉपर गर्म कर लिया। जैसे मैंने आपको बताया ठंडा हो जाएगा तो बार बार फायर आपका टूट जाएगा। जब ग्लास पूरा निकला है तब इसके जितने टुकड़े हो जाते हैं वो सारे टुकड़े टुकड़े बाहर करके ऐसे निकलते हैं। ये आपका निकल चुका है लेकिन ये उसी में पास है तो हुआ है। आपको क्या करने से गर्म कर लेना,
फिर टुकड़े जो टूट जाते हैं इनको बड़ी सावधानी से निकालना होता है, पता चला आपकी सारी मेहनत को ये फेर देंगे। गरम कर लीजिए, ये देखिए कितना डबल लेयर जीरो, डबल लेयर जीरो, ये देखिए ठीक है। अब हम इसमें ग्लास लगाएंगे कैसे ये भी देख लेते हैं। ये फोन को हमने बंद किया, देखिए मैंने चालू मोबाइल फोन में ग्लास चेंज किया है, सबसे पहले क्या करना है आपको इसके अंदर की जो लेमिनेशन है ना इसे आपको क्या करना है साफ कर लेना है। इसे गर्म करेगी अंदर को उसी है जो सीट है वो थोड़ी सी गर्म हो जाएगी। आपको ऐसे आगे की तरफ खींचते जाना धीरे धीरे करके ये ऐसे निकलती जाएगी, अभी ठंडी हो जाएगी तो दिक्कत करेगी, अगर गर्म होगी ना तो बहुत आसानी से क्या होती निकल आती है।
से आपको धीरे धीरे करके निकालना है, ज़्यादा गर्म भी नहीं करना। अगर ज़्यादा गर्म कर दोगे तो डिस्प्ले में फिर कलर कम हो जाएंगे, ये कलर उड़ जाएंगे, आपको वाइटनेस ही महसूस होने लगेगी। बेशक आपको समय थोड़ा सा 2 मिनट ज़्यादा लगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नुकसान नहीं होना चाहिए। इस तरीके से आप क्या करेंगे, उसे पूरे को साफ़ कर लेंगे। साफ करने के बाद फिर हम चालू करके देखेंगे कि सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, ग्लास लेंगे और ये आपका पूरा फोन चलना है। अब आपको इसमें आपको लेमिनेशन लगाना है। आप इसे क्या करेंगे, हटा लेंगे, 3 लेयर में होती है। अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर लेमिनेट करना है। Dile.
आपको क्या करना है, लेमिनेट कर देना। अब आपको ब्लेड से इसकी कटिंग कर देना है। ये उसी है सर। अगर आपको लगता है जैसे इसके अंदर कोई बबल्स हैं या कोई ऐसा चीज़ है तो इस मशीन के अंदर रखिए। मशीन आपने चालू किया, आपको क्या करना है, इसे रखने के बाद आपको इसे स्टार्ट करना है। इसमें ये बताएगा कितना प्रेशर है, चलो इसको ऐसे बराबर रखना। ठीक है, बराबर रखने के बाद ऐसे यहाँ से कॉर्नर, ऐसे कॉर्नर ले जाना ऐसे ऐसे। अभी इसमें देखिए, अच्छा वो धीरे धीरे करके ऐसे क्या करना है, पंच करना है। पंच करना है। ये निशान जो आ रहा है हट जाएगा, ये ये सर इसके ऊपर रखते रहते हैं, इसी ऊपर रखना चाहिए। इसकी ज़रूरत हमें तब पड़ती है जब हम कटिंग करते हैं ना, तो वैक्यूम बन जाता है। ऐसे चालू करते हैं, वैक्यूम बन जाते हैं। आपको क्या करना है, इसे गर्म कर लेना है। आपको ये मशीन लेना है, फोन चालू नहीं होना चाहिए, बंद पोजीशन में होना चाहिए, और आपको ऐसे रख देना है। सर इसको डालने से बैटरी लगे तो बैटरी फूल सकती है क्या? बैटरी फूलती नहीं, कुछ नहीं, प्रेशर होता है। ज़्यादा लगेगा फूल।